नमस्कार दोस्तों, बीआर हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं बात करना चाहती हूं बॉलीवुड के एक अभिनेता अक्षय कुमार की, जिनकी एज 52 इयर्स है, लेकिन देखने में वो आपको जवान लगते होंगे, क्योंकि देखेंगे कि उनके चेहरे के ऊपर ना ही रिंकल्स हैं और वो देखने में भी बिल्कुल फिट और फाइन लगते हैं। इस एज में वो आसानी से भी मार्शल आर्ट्स कर लेते हैं, लेकिन कोई 52 इयर्स का इंसान आपके घर के नजदीक है तो शायद वो सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता होगा, क्योंकि आजकल घुटनों का दर्द हर किसी को परेशान कर रहा है। 30 से 40 की एज में ही हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने हमें एक गिफ्ट दिया है, हमारा दिमाग। इस दिमाग से आप चाहें तो 30 से 40 की एज में आप बूढ़े बन जाएं, तो आप चाहें तो 60 से 70 की एज में भी आप जवान बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जवान बने रहें, आपको जल्दी बुढ़ापा ना आए, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको मैं उदाहरण देना चाहती हूं बॉलीवुड के एक और अभिनेता अनिल कपूर की। अनिल कपूर की एज 60 साल से भी ज्यादा है। लोग 60 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं जॉब से, लेकिन बॉलीवुड के अभिनेता अनिल कपूर 62 इयर्स की एज में भी देखने में बिल्कुल फिट और फाइन हैं, और आज भी वो एक्टिंग करते हैं और कितने ही हेल्दी हैं, क्योंकि ये लोग सोच समझकर खाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि उनके शरीर को क्या चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम लोग ये नहीं देखते कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, हम तो ये देखते हैं कि हमें क्या चीज़ टेस्टी लगती है, बस उसी चीज़ को खा लो। जो चीज हमें सबसे ज्यादा टेस्टी लगती है हम तो वही खाएंगे, जो चीज हमें खाने में अच्छी लगती है हम तो वही खाएंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारे शरीर को क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि हमारे शरीर को क्या चाहिए, उस दिन आप हेल्दी हो जाएंगे। ये उसी तरह से है जिस तरह आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है तो आप ध्यान रखते हैं कि इसमें पेट्रोल ही डलवाना है। अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें डीजल ही डलवाना है। तो आप सोचिए, अगर आप पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवाते हैं तो क्या होता है? वही सेम हमारे शरीर के साथ भी हो रहा है आजकल। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट अटैक है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो इसीलिए है क्योंकि जो आपके शरीर को चाहिए वो तो आप इसे देते नहीं, और जो इसे नहीं चाहिए वो धक्के से इसे देते हैं, और इसी कारण से हमारे शरीर की गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाती। अगर आपको अपने शरीर की गाड़ी को स्मूथली चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है, तो आज मैं आपको एक ऐसे अच्छे से पौधे के बारे में बताऊंगी जो आपके घर में भी होगा, आपके घर के आसपास बाग बगीचे में भी होगा, वो पौधा आपको बहुत ही स्वस्थ रख सकता है। साथ ही साथ आप मेरी एक और टिप का ध्यान रखें, दिन में आप जो भी खाते हैं उसका 50% हिस्सा कच्चा खाएं, यानी कि पूरे दिन में अगर आप 2 किलो खाते हैं तो 1 किलो जो भी खाएं वो कच्चा हो। कच्चे में आप फल खा सकते हैं, उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं और सैलेड खा सकते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास कभी नहीं जाना पड़ेगा, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा पौधा है जिसके जरिए आप जवान बने रह सकते हैं। दोस्तों, वो पौधा देखने में बहुत ही सुंदर है, उसके ऊपर बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, जिसे हम सदाबहार का पौधा कहते हैं। सदाबहार का पौधा गमले में आसानी से लग जाता है, आप इसे घर में आसानी से लगा सकते हैं। सदाबहार के पौधे की पत्तियाँ हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप सदाबहार के पौधे की पत्तियाँ और उसके फूलों को पीस कर उसका पेस्ट बनाएं, और उस पेस्ट को अगर आप अपने चेहरे पे हफ्ते में 2 बार भी लगाते हैं, तो आपके चेहरे के ऊपर से पिंपल्स रिंकल्स खत्म हो जाते हैं। रिंकल्स इस तरह से खत्म होते हैं कि आप 50 की एज तक भी या 60 की एज तक भी जवान दिखते रहेंगे, आपको बुढ़ापा ही नहीं आएगा। इतने अच्छे हैं सदाबहार के फूल और उसकी पत्तियाँ। सदाबहार की पत्तियों को तोड़ने पर इनमें अक्सर दूध निकलता है, ये दूध एंटी फंगल है। आपको कभी भी दांत खाज खुजली हो तो इसका दूध निकाल कर उसे अपने दांत खाज खुजली वाली जगह पर लगा लें, इससे आपको दांत खाज खुजली से आराम मिल जाएगा। सदाबहार की फूलों और उसके पत्तियों के जरिए आप अपने बालों को काला कर सकते हैं, अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जब बाल झड़ जाते हैं तब हम बूढ़े लगने लगते हैं। अगर हमारे बाल सफेद हो जाएं तब भी हम बूढ़े लगने लगते हैं, लेकिन अगर आप सदाबहार की पत्तियों का पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाते हैं हफ्ते में 2 दिन, तो आपके बाल कभी भी सफेद नहीं होते और न ही आपके बाल झड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप सदाबहार के जरिए खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, जवान बने रह सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।